हमारे CW के सुपरस्टार हैं, ये देखो। बोलो कुछ करना है तो मेरे मुंह पे थूक दो। तो एक उंगली से बाइक रुकूंगा, देख लेना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ आप लोग। माय गॉड, चल भाई एक सेकंड, चलो एक सेकंड आ गया, ये वाला नाइस कैच, नाइस कैच, पकड़ ले, पकड़ ले, शाबाश। आर्या बस स्मार्ट स्मार्ट लड़का है, अपनी वाली दिखा कान की, तेरी वाली सेक्सी है वो। ये क्या नाम है तेरा? यमराज। यमराज क्या कोई साहब? फोन टूट गया। कैसे? यहीं पे रखा था बच्चे ड्राइव में, फोन टूट गया। बड़ा स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू। चश्मा मैंने भी यही चश्मा लिया। कितने का लिया सच बता रहा हूँ, मुझे प्राइस पता है। घर में पड़ा था। भाविक पेसर सही है, कृषि आर्या, ये क्या नाम है इसका, आदि, सब तगड़े बंदे हैं। और इनका कोच साहब ये है नीरज सिंह कुमार। नीरज सिंह कुमार नया बैट्समैन है। कर बॉल, कर बॉल, चल मैं बॉल करता हूँ, चल कर बॉल। ये नाइस, नाइस बॉल, चल। वाइड बॉल, सुस्त पड़ गया तो चल, इसको डालने दो, आर्या को डालने दो। चल डाल, फुल टॉस मार दिया तूने यार, मजा नहीं आया। तो यहाँ पे मैच हो रहा है बॉल करने के लिए तैयार, और यहाँ पे शॉट मार रहा है, आउट हो गया ना, आउट हो गया, और बॉल टीम। दोस्तों मेरा हो गया सेशन ख़त्म, और बड़ा मज़ा आ गया आज, थोड़ा बहुत किया, मज़ा आ गया आज। मुझे लगता है रोज़े का लास्ट दिन है, लास्ट दिन नहीं, सॉरी, मतलब कि आज रोज़े के दिन की लास्ट ट्रेनिंग है ये मेरी। इसके बाद तो एकदम तगड़े से खाएंगे पिएंगे, मस्त ट्रेनिंग करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपनी। तो ये आज का मुझे लगता है लास्ट व्लॉग होगा, लास्ट ट्रेनिंग सेशन है। इसके बाद अभी जाना है मैंने कल घर, तो आपको दिखाता हूँ मैं घर का सीन क्या है, गाँव गाँव का जो भी है दिखाऊंगा आपको मैं। और आज मैंने अपनी ट्रेनिंग सेशन कर ली ख़त्म, अब जाऊंगा घर, करूंगा इफ्तार। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, प्यास और भूख बहुत ज़्यादा लगी है, ऊपर से धूप है, पसीना भी बहुत ज़्यादा। ट्रेनिंग तो दोस्तों होगी एकदम मस्त आराम से, और अभी जा रहा हूँ मैं घर। कितने शानदार शानदार से फूल है यार, वाह हा हा हा, ये देखो
कितने अच्छे अच्छे दिख रहे, मस्त मस्त। बता देना आप कमेंट करके कैसे लग रहे आपको। फूल 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 है गुलाब का। ये देखो वाह क्या शानदार है भाई। एकदम मस्त। हाय हाय हाय। तब यार क्या वाई बात। ये देखो अभी नया नया खिला है और ये देखो कितना शानदार शानदार। हाय हाय हाय। जैसे आपने पीछे भी देख रहा होगा देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इंटरनेशनल ग्राउंड है। बहुत ही सुंदर शानदार ग्राउंड है, एकदम मज़ा आ जाता है। ये देखो इसकी सफाई हो रही है, कल मैच होगा शायद से। यहाँ से देखो ट्रेन जा रही है एकदम मस्त। हा 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 हा। या पता नहीं कौन मजा आया। ओह ये देखो कितने शानदार से फूल है। आज का व्लॉग बिल्कुल फूल होगा होगा। ये देखो शानदार शानदार फूल है। और ये है यहाँ की पार्क, स्कूल है, स्कूल की पार्क है। एकदम बहुत ही शानदार बनाया है इसको, मेंटेन अच्छा किया। स्कूल वाले वैसे अच्छे मेंटेन करते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। आहा इसको बैठने में कितना मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बंदे को मन ही नहीं करता बाहर बैठने का। देखो तो गर्मी मार देती है इसको, अच्छे से मेंटेन किया हुआ। आहा वो देखो उधर उस साइड में बढ़िया बढ़िया। जैसे तो यार दोस्तों भूख इतनी ज़्यादा लगी है यार कि बात करने की हिम्मत नहीं है यार। ये देखो यहाँ पे पटरी है, रेलवे लाइन है और यहाँ पे फाटक है। मतलब यार हिम्मत ही नहीं है यार। बंदा ट्रेनिंग करके जाता है तो उसके बाद फिर बंदे को हिम्मत ही नहीं देती है। ऐसा बोलता है कि कोई ला के दो खाना पीना और मैं खाऊँगा और उसके बाद सीधा सो जाऊँगा। इतनी हिम्मत नहीं होती है यार। अभी करता हूँ मैं आपको फिलहाल इफ्तार। दोस्तों फाइनली जो है इफ्तार आ गया, हो गया इफ्तार का टाइम हो गया। और मैं दिखाता हूँ आज की इफ्तारी में मैंने क्या बनाया है। थोड़े से फ्रूट काटे मैंने, ये देख सकते हो आप। ये है तरबूज, ये थोड़े से संतरे हैं, ये कीवी है और ये रहा चीकू और ये खजूर बनाना और ये साथ में हमारा गन्ने का रस है और ये सादा पानी। और आ गया हमारा टाइम यार इफ्तारी करने का। बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगी है। ठंडा है, फ्रिज में रखा था यार। चीकू चीकू कीवी, वाह गन्ने का रस। तो अभी आ गया टाइम हमारा डिनर करने का। डिनर कर रहे हैं हम साथ में, मस्त आईपीएल देख रहा हूँ मैं। आज मेरा खाने में है भाई साहब चिकन और ये रहे अंडे और ये थोड़ी सी सब्जी है और साथ में रही दही और वहाँ छोटे भाई जो हमारी सलाद काट रहा है साथ में रहा हमारा आईपीएल। पीछे बंदे जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं, मस्त दारू पी रहे। मैं तो अपना खाना अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो खाना उसके साथ में सीधा
आज कितने दिन के बाद मुझे साधु मिला। और साधु भाई क्या हाल है? बढ़िया हुआ, बताओ कैसे? क्या खा रहे हो? गुस्सा हो रहा है। विराट कोहली ने शतक मार दिया। और साधु भाई कैसे हो? बढ़िया मित्र। और राजकुमार तू क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है? दो पैग लगा के थोड़ा देखा कैसा है। प्रकाश ये इंडियन आर्मी में है, लेकिन ये इंडियन आर्मी से छुट्टी काट के यहाँ रेसलिंग करने आए हैं। क्या बात है प्रकाश भाई। खाना नहीं खा रहे हो, खाने लपेट रहे हो। अच्छा क्या लपेटा बताओ? तो खाना खा नहीं रहे हो क्या? मैं खा तो रहा हूँ प्यारे। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, खाना खा रहे हो लेकिन आप खाते नहीं हो। आप मैंने खा लिया साधु भाई, यार बस आपका इंतजार कर रहा था मैं। क्या सुंदर लग रहे हो। ओह माय गॉड, सुंदर लग रहा था। नहीं भाई साधु, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा ओके अच्छा सॉरी। तो ऐसे खाना छोड़ के चले जाने वाला उनमें से तो नहीं है भाई तू। हाँ चले जा, रुक जा। अरे जान दे ओ जाने दे, ये मजाक कर रहा साला। ओ ये तुझे क्या लगता है खाना छोड़ के जाएगा क्या? ओ जाने दे, जा निकल पहली फुर्सत में, निकल। हाँ बोल, जा बोल, जा हाँ जा, रुक जा, ओ जा। ये साला का खाना छोड़ के जाएगा, घंटा जाएगा। ये तो अभी मुझे लगता है 50 रोटी पेट में जाएंगे इसकी, तब जाके छोड़ेगा ये जाएगा। अभी तो इसका पेट इतना आगे निकला पड़ा है, 50 रोटी खा खा के साला रोटी खा के कैसा आलू जैसा हो गया, सूजा है। गुरुड़ी तुझे क्या हो गया आज? बड़ा सुस्त पड़ा है। साधु भाई IPL के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? ये बिहार जाएगा। चल मैं ही पी रहा हूँ, दे दे मैं पी रहा हूँ, दे अपना दे दे तू। ओके थैंक यू राजकुमार ये कोल्ड ड्रिंक देने के लिए, थैंक यू सो मच। वो उनसे बड़े हैं ना? हाँ तो भैया तो या चाचा तो कैसे? राजकुमार उसका नाम ही वैसा ही आता है, उसको हमेशा से मैं रेस्पेक्ट से राजकुमार मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूँ, हमेशा नहीं देता हूँ, देता हूँ हमेशा रेस्पेक्ट। हाँ दे दिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। छोड़ भाई शुक्रिया आता तो करेगा ही। बहुत थैंक यू। और राजकुमार के नाम पे कोल्ड ड्रिंक आई है। चल बिस्किट ला खाते हैं। ओला कोई भी ला, गुड डे कुछ भी ला। कोल्ड ड्रिंक लिमका साथ पिएगा? नहीं अभी ना करेगा, लेकिन साला बाद में पिएगा। नहीं नहीं पीता हूँ। एक घूट तो पी लेगा। पीता ही नहीं, तो गैस बनाता है। पा देगा रात में। अरे ये तो नेचर है भाई, नेचुरली है ये तो। लेकिन तुम लेकिन साधु भाई आप बहुत गंदा पाते हैं एकदम, कोई यार मीठा पाता लेकिन आप बहुत कौड़ा पाते हो। खाना खाने देगा क्या ब्रूडी? कितना कौड़ा पाता है गंदा। छी 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 छी, इसके रूम में जब जाए रात में बंदा मर जाएगा। खाने देगा तुम? अच्छा ओके ओके खाते। अच्छा यहाँ दो शब्द बोलना अपने बारे में। क्या अपने बारे में? कुछ ही बोलो। मुझे भाई राज दे दो ब्रदर्स। अरे बोलो बोल साधु। अरे ठीक है, क्या बोलूँ, सब अच्छा है। चल आज व्लॉग को एंड करो आप। तो दोस्तों अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। देखो अपने लिए तो मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, लेकिन आपके लिए मांगता हूँ। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। और ये रहे हमारे बादशाह खान, और दोस्तों इनको फॉलो करिए, इनके चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको बिल्डअप करिए, फेमस करिए। और गॉड ब्लेस यू, लव यू ब्रदर, टेक केयर। और चीज़ कैसे बना?
साधु सोच रहा मैं कहाँ फंस गया। नहीं कोई बात नहीं मित्र, संसार है, अच्छे बुरे लोग हर जगह है, तो ये तो अपना दोस्त है। अरे ब्रदर राइट हो गया ब्रदर, अभी ये बंद कर कैमरा, मेरा कैमरा सारा हर जगह, तू तो सारा सारा बिस्किट खा गया, मजाक मजाक भी सारे खा गए। प्रकाश तुझे क्या हो गया, तू कुछ नहीं बोलेगा, ये कुछ नहीं बोलेगा, वो देखो इसका पेट कितना निकला है, लेकिन अंदर करेगा पेट अभी। शबे कदर, और मैं जा रहा हूँ शबे कदर बनाने, और मतलब क्या बताऊँ यार आपको, मैं अभी जा रहा हूँ मैं सीधा मस्जिद, मैं आपको मिलता हूँ मस्जिद, क्योंकि यार सुबह से मुझे कुछ याद रहा नहीं है, ऐसे ही यार बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, पता नहीं क्या क्या है। तो अभी जा रहा हूँ फिलहाल मस्जिद, हाँ क्या बोलते हैं, मस्जिद पे आया था मैं यार शबे बारात शबे कदर मनाने। तो यहाँ ये देखो बिल्कुल एकदम लॉक है मस्जिद, एकदम लॉक है यार, ये देखो। अब पता नहीं यहाँ क्यों नहीं बनाते, मुझे नहीं पता यार यहाँ क्या रीज़न है, क्या नहीं बनाना। ऊपर बंदा कपड़े वपड़े सी रहा हो, साथ में आईपीएल देख रहा है, आईपीएल मस्त, आईपीएल के मज़े ले रहा है यार। पता नहीं यहाँ का सिस्टम क्या है, मुझे नहीं पता यार, बाकी ऊपर वाला ही जान सकता है। तो मैं तो अंदर जा नहीं सकता, और यहाँ बनाते नहीं हैं शायद से, अब क्या सिस्टम है क्या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, बाकी अब क्या करूँ मैं यार, अब क्योंकि मस्जिद एकदम लॉक है, यहाँ बिल्कुल लॉक हो जाती है। ऊपर तो कोई बंदा आया पता नहीं, कपड़े वपड़े सील रहा है, मुझे नहीं पता क्या नॉलेज है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा ही सकता हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ करूँगा नहीं। बाकी ये रही मेरी हायाबूसा, अपनी हायाबूसा से आया था मैं, तो दोस्तों अब क्या करें यार, मैंने सोचा यार कि बना लूँ, लेकिन कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों यार। बाकी ये वीडियो किसी दिखावे के लिए नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे भाई है जो मतलब नशे में शराब पीते हैं, जो गंदे काम करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो भी अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह को हमेशा याद करे, हर गुनाह से बचे। बाकी दोस्तों भी फिलहाल जाऊँगा मैं घर, और इसके अलावा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी फिलहाल। और डॉक्टर साहब लो जी, बंदे आ गए, फैन फॉलोइंग आ गई भाई साहब। हाँ तो दोस्तों यार मैं आ गया वापस, एकदम यार बहुत अजीब लग रहा है यार, बुरा लग रहा है, और गुस्सा भी आ रहा अंदर से यार कि ऐसे नहीं होना चाहिए। जेकर देखो एक साल में ऐसी एक रात होती है जिस पे मतलब क्या बोलते हैं, लोग जागते हैं और अपने गुनाहों से पनाह मांगते हैं, जो भी चीज़ होती है अपने मन से, जो भी जैसे करता है वो, जैसे ऊपर वाले को मांगता है, जो भी चीज़ करता है, सभी लोग को मतलब सभी को पता होगा कि अपने अपने तरीके से ऊपर वाले से कैसे फरियाद करता है इंसान। तो ये बहुत ही मतलब यार इंसान को दुख होता है कि ऐसे अच्छे दिन पे, ऐसी एक अफजल रात पे कि लोग आराम से मस्त अपना आईपीएल एंजॉय कर रहे हैं। आईपीएल देखो हर चीज़ अपनी अपनी करो, लेकिन हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होती है यार, नमाज अपनी जगह, काम अपनी जगह, आईपीएल अपनी जगह, हर चीज़ अपनी अपनी जगह। देखो अब मुझे नहीं पता यहाँ का सिस्टम क्या है, क्यों नहीं बनाते, क्या रीज़न है, अब ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है। बाकी मैं तो गया था, मैंने सोचा मैं भी बना दूंगा। देखो यार साल में एक रात होती है जो इंसान जाता आराम से, उसके बाद आराम से चलो जो भी है, जितना भी इंसान, देखो यार इंसान एक गलतियों का पुतला होता है, तो बाकी हर कोई, अब मैं क्या बताऊँ यार, मैं इसके अलावा तो मैं कुछ बता नहीं सकता यार, अब कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है यार, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, तो बस ऊपर वाले के और उन लोगों के बीच में जो भी होगा। और बाकी मैं तो वापस आ गया, अब देखता हूँ यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो बाहर का व्यू कितना अच्छा है, शानदार नज़ारा है, ये देखो लाइटें लुइटें लगाई हुई, यहाँ पे ढाबा खुला है। और अभी तो फ़िलहाल चलो मैं नमाज वमाज़ पढ़ूँगा अपना, और जो भी है जितना हो सके, अब देखो अब एक हिसाब से जो भी करना होगा मैं यहाँ जाग लूँगा। देखो अब मैं घर, जब इंसान घर में होता है तो घर की बात अलग होती है,
देखो हमारे यहाँ तो बिल्कुल एकदम हर साल शब-ए-कदर बनाया जाता है एकदम अच्छे से, और यहाँ का तो नहीं मुझे पता यार। वहाँ इंसान अगर देखो घर घर ही होता है, घर में इंसान को पता होता है कैसे क्या चीज़ें होती है। जब इंसान घर से बाहर होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है इंसान को पता नहीं होती यार, वो कर नहीं पाता। हर किसी का अलग अलग वो सिस्टम होता है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी दोस्तों अपने भाई को दुआओं में याद रखना, और सभी को मेरी तरफ से शब-ए-बारात शब-ए-कदर मुबारक, शब-ए-बारात शब-ए-कदर। तो दोस्तों मिलते हैं हम बाकी नेक्स्ट व्लॉग में, और कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, मेरी वजह से किसी को भी कोई भी मतलब तकलीफ पहुंचती है या कोई भी मेरी वजह से हर्ट होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बाकी दोस्तों अपने भाई को याद रखना, दुआ में याद रखना। देखो इंटरटेनमेंट वीडियो इंटरटेनमेंट लोगों को इंटरटेन करना, ये तो मेरा काम है। बस मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई खुश रहे, एकदम मस्त अपने लाइफ में इंजॉय करे। बाकी दोस्तों यार इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।